हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल वेल गाइस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको, आपने बहुत ही कम देखा होगा गाइस, ये है तालाब। तालाब जो है आजकल शहरों में, आप भी जानते हैं, शहरों में इनकी बहुत कमी हो चुकी है। कमी क्या, बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं। लेकिन गाँव में भी कुछ दो चार बचे कुचे हैं, वो भी लोगों ने अपने घर बनाने के लिए उनको भर दिया हुआ है। तो कुछ आज भी दो चार गाँव ऐसे हैं जहाँ ये तालाब देखने को मिलते हैं। तो रास्ते में हम जा रहे थे अपने कुलदेवता के मंदिर के दर्शन के लिए, तो हमें जाते जाते रास्ते में जो है ये तालाब हमें मिल गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो जो है मेरे व्यूअर्स भी देखें तालाब को। इसमें वाइट कलर के कमल लगे हुए हैं और ये ग्रीन ग्रीन पत्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर दी क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने तालाब जो है गांव में नहीं देखे होंगे। तो ये गाइस देख लीजिए आप, तालाब जो हैं वो ऐसे होते हैं और उनमें इस तरह की पत्तले जो हैं कमल के फूल लगते हैं और उसके पत्तों को जो है वो कहा जाता है, पत्तल कहा जाता है। और ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये इसका फ्रूट है, शायद इसमें बीज लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बीज सूखने के बाद इनका आटा भी बनाया जाता है। और एक मेन बात ये है, ये जो पत्तलों की डंडी होती है ना नीचे, जो तालाब के मेन जड़ होती है, जो इसकी एक सब्ज़ी भी बनती है गाइस, उसका नाम होता है नंदड़ू। आपने खाई होगी, बहुत ही टेस्टी होती है। तो गाइस ये देखो पत्तल, हमारी भाषा में तो इन पत्तों को, कमल के पत्ते हैं जो, उनको पत्तल कहा जाता है। पुराने ज़माने में इन पे शादियां जब या कोई फंक्शन होता था। ये देखो मेरे हस्बैंड क्या लेकर आए हैं मेरे लिए, अभी खिला भी नहीं है फूल, तो उन्होंने पहले ही कली तोड़ दी मेरे लिए। तो मैं बात कर रही थी पत्तल की। तो गाइस पहले ज़माने में जब कोई किसी के घर में शादियां या फंक्शन हुआ करता था, तो इन पत्तलों पे जो है वो खाना जो है वो लोगों को सर्व किया जाता था। क्योंकि स्टील के बर्तन होते थे तो किराया देना पड़ता था, अपने पास तो इतने होते थे, लोग गरीबी थी उस टाइम पे, लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं होता था कि वो एफर्ट कर सकें। इसलिए वो लोग, तालाब आम जगह होते थे गाँव में, तो लोग पत्तलें जाकर तोड़कर तो उन्हीं पे अपने जो वो गेस्ट आते थे उनके, उनको खाना जो इन पत्तलों में सर्व किया करते थे। तो खाने में बहुत मज़ा आता था गाइस, इन पे गरम गरम खाना डाल के। साउथ में आज भी शायद केले के पत्ते पे खाया जाता है, तो टेस्ट बहुत आता है क्योंकि जो नेचर है वो नेचर के साथ जुड़ने में तो मज़ा ही कुछ अलग है। नीचे बिठा के, आजकल जैसे चेयर्स वगैरह लगी होती है तो आप खड़े होके खाते हो, बैठ के खाते हो, तो पहले पंक्तियाँ बना के जैसे लंगर मिलता है ना, तो वैसे ही शादियों में खाना खिलाया जाता था, तो बहुत ही मज़ा आता था गाइस। तो अंकल को हमने कहा कि अंकल हमें फ्लावर चाहिए, हस्बैंड मेरे नहीं घुस सकते थे, बीच में उन्होंने जीन्स डाली थी तो जीन्स को ऊपर करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए अंकल को बोला। अंकल यहाँ के लोकल ही लग रहे थे, तो अंकल ने हमारे लिए फूल तोड़ कर लाए कमल के, और बहुत लग रहे थे गाइस, इतने अमेजिंग, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं ये कि बताना मुश्किल है। क्योंकि मैंने भी कभी जो है अपने हाथ आँखों से नहीं रियल में पकड़ा कभी इसको, लोटस के फ्लावर को। तो आज देखो ये मेरे हस्बैंड मुझे प्रपोज कर रहे हैं, पहले कभी नहीं किया, तो आज मुझे दे रहे हैं लोटस के फ्लावर, वो भी अंकल तोड़ के लाए हैं यार, खुद तोड़ के दो। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट, एंड थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखो, इनको घर पे जाके अब मैं सजाऊंगी अपने कमरे में, फ्लावर पॉट में सुंदर से लगा के इनको सजा दूंगी, और मेरे रूम की डेकोरेशन जो है वो बहुत ही प्यारी लगेगी। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार ये फ्लावर सच्ची में। हाँ देखो पत्तलें, देखो आप कितनी अच्छी हैं गाइस, ये देखो ये भी तोड़ रहे हैं अभी पत्तलें, क्योंकि इनकी सिस्टर इन लॉ हैं, यानी कि मेरी सिस्टर जो हैं उनको बहुत पसंद है पत्तल पे खाना खाना, तो मिलती तो है नहीं आजकल, तो यहाँ पे आजकल आज हमें तालाब मिला तो हम उनके लिए लेकर ज़रूर जाएंगे, गिफ्ट ही सही है। तो ये देखो कितने शौक से तोड़ रहे हैं उनके लिए, मैं बोलती ना ये कभी ना तोड़ते, लेकिन अपनी सिस्टर इन लॉ के सामने नंबर बनाने हैं इन्होंने, लेकिन देखो कैसे मज़े से तोड़ रहे हैं। तो बीच में जाएँ गिर जाएँ, बिल्कुल छोटी सी स्पेस है यार जहाँ पर ये खड़े होके ना तोड़ रहे हैं पत्तले। चलो बेचारों का मन कर रहा है, तोड़ने दो। तो हम देखते हैं तालाब को गाइस, तालाब देखो यार बहुत अच्छा, हमने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया और यकीन मानिए इतनी शांति मन को मिली कि आजकल घरों में इतनी शांति नहीं मिलती। हर बंदा स्ट्रेस्ड है, हर बंदा डिप्रेशन में है, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई तो दुख ज़रूर है। तो गाइस यहाँ अगर जब आप नेचर के साथ जुड़ते हो तो आप कुछ देर के लिए अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को जो है वो भूल जाते हो, क्योंकि नेचर जो है, मदर नेचर जो है वो इस चीज़ को हील करती हैं।
हम सब जानते हैं। तो लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो अपना वक्त है वो नेचर के साथ बिता सकें। तो वक्त कभी आपको ज़िंदगी में मिले तो प्लीज़ मदर नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को हील करने में बहुत ही हेल्प करती हैं। जी हाँ गाइज, तो ये सावन का महीना है, तो सावन के महीने में नेचर जो है बहुत खिलती है, बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है। तो ज़रूर इसका आनंद लीजिए, इंजॉय कीजिए नेचर को। हो सके तो अपने घर पे भी ग्रीनरी को लाइए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, किसी तरह के भी। ये जो नाल इन्होंने पकड़ के रखी है ना, बस इसी के एंड में पड़ता है नंदू। जो सब्जी मैंने बताई ना आपको, वो एंड में पड़ती है, इन्होंने नीचे फेंक दी है। अभी अभी पके नहीं हुए पूरी तरह, सब्जी बनी नहीं है। जो एक्सपर्ट होते हैं वही निकाल पाते हैं, हम जैसे नहीं निकाल पाते। तो बहुत मज़ा आया गाइस, हमने बहुत इंजॉय किया। 10 मिनट बैठे यहाँ पे, तो वो देखो पीछे माता काली जी और शिव की फ़ोटो है, वो पीछे हमें बैक साइड दिख रही है। मैं आपको सामने से इसको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलिए वहाँ आपको सामने से माता जी के दर्शन करवा। तो ये हम पहुँच चुके हैं माता जी के फ्रंट पे। ये गाइस शमशान घाट है एक्चुअली। तो वहाँ पे माता काली जी की और शंकर जी की प्रतिमा बनाई गई है। तो दोपहर का टाइम है, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, हम जा रहे हैं घर। और तब तक के लिए आप वेट कीजिए। बाय बाय, टेक